हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉकजोन इंडिया प्रिपरेशन। सो गाइस, टेस्टनेट 2023 का रिजल्ट इज फाइनली आउट। तो गाइस, देखते हैं कट ऑफ वगैरह क्या थे और कैसे आपको एक्सेस करना है रिजल्ट को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। गाइस, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग के चैनल पे अलर्ट ये की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आप जरूर से फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी एग्जाम्स के भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं। चलो गाइस, गाइस हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है, क्वेश्चन बहुत होते रहते हैं। सो गाइस, टेस्ट की वेबसाइट पे आप जाओगे test.edu में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा टेस्ट नेट 2023 रिजल्ट्स आर आउट अनाउंस्ड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप एमए में जाओगे, एमए में जाके व्यू रिजल्ट करोगे तो अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, आपको दिख जाएगा। तो गाइस, ऐसा प्रोसेस है इसका। बाकी बात करूँ अगर जनरल कैटेगरी कट ऑफ की, इस बार पेपर टफ आया था। डीआई के भी 10 क्वेश्चन अराउंड आ गए थे, काफी हैवी थे वो, ठीक है। जीके भी काफी अच्छे लेवल की थी, तो ओवरऑल कट ऑफ कम गया है। तो गैस, अगर बात करूँ एचआरएम की, एचआरएम जनरल का कट ऑफ 63 है, ठीक है। ओडीसीएल का कट ऑफ है 58, इसमें 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस ये होता है, ठीक है। जो बिजनेस एनालिटिक्स है आपका बीए, इसका कट ऑफ है 60, ठीक है, इसका कट ऑफ 60 है। और आपका जो लेबर स्टडीज है, इसका कट ऑफ है 54। ये सारे कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हैं। कॉन्ग्रेट्स टू ईच वन ऑफ यू जिनका कॉल आ गया है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग एचआरएम एंड ओडीसीएल बेस्ट हैं, इन दोनों में आपको 20 लाख का पैकेज मिलता है। अगर आपका कॉल आ गया है तो आप बेस्ट हैं, एक दो दिन रेस्ट करके अपना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन ढंग से, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, मॉक पीएस वगैरह देके जाओ, ठीक है। क्योंकि तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है गाइस, ठीक है। तो कैरियर भी मत हो जाना कि हाँ कॉल आ गई तो पार्टी करने लगे, ठीक है। अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो, बट स्टिल अभी मेन रहेगा आपका कि आपका फाइनल कन्वर्जन, उसके लिए अच्छे से लग जाओ। चलो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आप सीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीमैट के क्रैश कोर्सेस और सीमैट के मॉक्स हैं, आप चेक कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। सब कुछ कवर्ड है इसमें, जीके कोर्स, इनोवेशन सेक्शन, एवरीथिंग। बाकी गाइस, हम लोग सीमैट का कंप्लीट कोर्स भी है। सो गाइस, ये रिजल्ट्स हैं बाकी एग्जाम्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट का नया बैच, कंप्लीट एमबीए का बैच, दोनों बैचेस हम लोग के 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। काफी चेंजेस हैं इस बार, काफी डिटेल सब चीजें हो रही, हर बार ये होती है, बट इस बार उन्होंने एलआरडीए सेक्शन में और फोकस किया हुआ है। एंड फॉर एल आर डी आई सेक्शन दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव 3 फैकल्टीज, कि आपको एल आर डी आई के बहुत ही हाई क्वालिटी के सेट्स मिलें और आपकी क्लासेस काफी ज्यादा चलें। क्योंकि तो एग्जाम टाइम में आपको कैट के 1.5 महीने पहले आपको जितने वैरायटी सेट्स मिल जाएं लाइव क्लास में या रिकॉर्डिंग्स में, उतना अच्छा है। और कैट लेवल, क्योंकि आप जो पढ़ते हो लीनियर अरेंजमेंट, ये सब कैट लेवल नहीं होता है, कैट में कुछ अलग ही आता है। देखो अगर आप, तो उस वजह से हम लोग को एल आर डी आई में बहुत फोकस करना है। फोकस हम लोगों ने हर बार किया, बट इस बार हम लोग और ज्यादा फोकस करना है। तो ओवरऑल कंप्लीट कोर्सेज हैं, और हम लोग का एक एश्योरेंस कोर्स है, जहां पे अगर आपका टॉप 30 से कॉल नहीं आता आपको फ्लैट 40% रिफंड मिलेगा फीस का। ये लास्ट ईयर रिजल्ट है इसके, इस बार के भी अच्छे ही आएंगे, कोलेट कर रहे हैं हम लोग। बाकी गाइज, ये रिव्यूज है, आप आराम से पॉज करके पढ़ो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये नंबर यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो, अगर आपको सीमेंट को चाहिए तो आप सीमेंट में जा सकते हो। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।